आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव घमोरा उदयपुर वाटी झुंझुनू राजस्थान से भाई कमल जाखड़ जी अभी खास करके टमाटर की खेती करना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें हमसे क्या जानकारी चाहिए। हाँ, कमल जाखड़ जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, कर रहे हैं। अच्छा भैया नमस्कार, मैं ग्रीन टीवी से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। और आपने एक प्रश्न जानना चाहा है, पूछना चाहा है सर टमाटर के बारे में। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं सर? अभी मैं मई के अंदर, अप्रैल है ये, मई के अंदर टमाटर लगाना चाहता हूँ, नर्सरी तैयार करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो ये बताइए कि इस महीने में नर्सरी तैयार हो गया, एक महीने बाद में ट्रांसप्लांट हो जाएगा टमाटर का? अभी आप करेंगे तो संभव है नर्सरी आप लगाएं और उसके गर्मी से बचाव करें, तो शेड नेट में अगर नर्सरी। टेम्परेचर मई के अंदर 45-48 डिग्री अपर में रहता है, डाउन में रहता है 30 डिग्री। हाँ, तो आपको शेड नेट लगा के करना पड़ेगा, खुले में नर्सरी नहीं हो पाएगी। वो तो पता है सर। हाँ, ट्रांसप्लांट हो जाएगा कि इसका इतने टेम्परेचर में? इतने दिन पहले में भी अगर आप शेड में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आप रेगिस्तानी इलाके में हैं, वहाँ अंधड़ भी होगा और 45 डिग्री पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेती आप कर सकते हैं तो आपको अगस्त में करूं। प्रोटेक्टेड अगर एग्रीकल्चर कर सकते हैं जी सर, तो करें, अन्यथा फिर अपन साधारण ढंग से करेंगे कि जून जुलाई की नर्सरी करें और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग, अगस्त सितंबर। कौन सा बीज अगस्त के अंदर कौन सा बीज अच्छा रहेगा? सारे अच्छे बीज हैं, पूसा के आप ले लें या आजकल प्राइवेट कंपनी के भी हैं। अगर पूसा में आप लेते हैं तो पूसा रूबी, पूसा के हाइब्रिड भी हैं, हाइब्रिड नंबर 1, 2, 4, 8, ये सारे पूसा के हाइब्रिड हैं, ये आसानी से बीज मिल जाएंगे आपको। अर्का भी अच्छी किस्म है, ये हमारे जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से निकली हुई है, तो अर्का किस्में भी अच्छी हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी हमसे जुड़ने के लिए, ध्यान देने के लिए धन्यवाद सर।